देखिए, झा जी की इच्छा थी कि कोरबा के सभी कार्यकर्ताओं से आप सबसे मिलें, बात करें, लेकिन आकस्मिक ऐसी बात हुई कि उनका फ़ोन आया घर से, दिल्ली से, और उन्हें जाना पड़ा। अफसोस है मुझे कि वो नहीं आ पाए, लेकिन वे अगले बार ज़रूर आएंगे। ऐसी चर्चा है कि जो सिसोदिया जी के यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी, उससे कुछ संबंध है, इसलिए अचानक जाना पड़ा उनको? देखिए, इसका डिटेल अभी मुझे भी पता नहीं है, जैसा कुछ बात होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। देखिए, सारी राजनीतिक पार्टी उद्योगपतियों से पैसा लेके चुनाव लड़ती हैं, अकेली आम आदमी पार्टी है जनता से पैसे लेती है और उससे ही चलती है। हमारे कार्यकर्ता और लोग जो हमारे सपोर्टर हैं, हमारे चाहने वाले हैं, सारे लोग सपोर्ट करते हैं, जिससे ही हमारी पार्टी चलती है। आज हम शुरुआत किए फडणवीस जी का काम, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं जसबीर सिंह जी, जिनके नेतृत्व में ये काम पूरे प्रदेश में चल रही है। हम पूरे 90 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी चुनाव लड़ेगा, कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी चुनाव लड़ेगा, आम आदमी के मुद्दे होंगे और आम आदमी इस बार जीतेगा। हाँ बिल्कुल, प्रस्तावित है, हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, इस पर जरूर मजबूती से लड़ेंगे। नहीं, ये रणनीति बन रही है, इसको हम निश्चित तौर पे आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे और उस मुद्दे को हम लड़ेंगे। रोड की लड़ाई हमारे विशाल केलकर जी के नेतृत्व में कोरबा में हुआ था, पूरे प्रदेश में भी हो रहे हैं, और सड़कों का हाल बदहाल है, आप देख सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। मतलब निकला, पैसा सरकार से रिलीज हुआ, लेकिन सारे पैसे उनकी जेब में फिर से चला गया, आपदा को उन्होंने अवसर में बदल लिया। राम संपर्क अभियान आम आदमी पार्टी ने पूरे देश प्रदेश में शुरुआत की थी। 12,000 से अधिक गांव में हमने ग्राम संपर्क अभियान चलाया और हर गांव में हमने संगठन बनाया, जिसकी समीक्षा हम कर रहे हैं।